जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की दर्दनाक खबर भारतीय सेना के जवान की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। सेना समेत पत्नी दोनों का दर्दनाक मौत हो गया सड़क हादसा के चपेट में। बताया जा रहा है कि शहीद जवान अजय यादव का शादी 4 महीने पहले हुए थे। 4 महीने के बाद दोनों सेना और सेना की पत्नी दोनों का दर्दनाक मौत हो गया। बताया जा रहा है कि सेना के जवान और उसकी पत्नी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गया। स्कूल बस और कार की इतनी तेज टक्कर आई कि दोनों की कार 1 घंटे तक फंसे रहे। किसी तरह से बोनट तोड़कर दोनों को निकाला गया। हॉस्पिटल लेकर पहुँचे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिए। फरवरी में ही उनकी शादी हुई थी। CSD कैंटीन में खरीदने जा रहे थे तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। मामला अलवर का है। बताया जा रहा है कि घटना निमाराम थामा क्षेत्र के बहरोड़ कुंड मार्ग के पास बिघाना गांव का है। बुधवार दोपहर 2 बजे सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस और SUV के सामने भिड़त हो गई, जिनमें से कार में परखच्चे में उड़ गए। कार सवार दंपति मांडन थाना क्षेत्र के नानकवास के रहने वाले थे। अजय यादव 22 वर्षीय और उसकी पत्नी 20 वर्षीय सोनम और उर्फ सालू अलवर के बहरौड़ CSD कैंटीन में शॉपिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है इसी दौरान सामने आ रही स्कूल बस की टक्कर मार दी। मृतक सेना का जवान अजय यादव वर्ष 2019 में आर्मी में ज्वाइनिंग किए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के 21 कमाऊ यूनिट में सिपाही के पद पर तैनात था। 25 फरवरी 2022 को मजारा निवासी सोनम से शादी हुई थी। वह इकलौता बेटा था। बताया जा रहा है कि शहीद जवान अजय यादव के पिता भी उसी यूनिट में सूबेदार के पद पर तैनात थे और सोनम के पिता भी BSF के इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अगर मृतक जवान अजय यादव के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि मृतक अजय यादव को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस।